आज हम एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अक्सर कपल्स के साथ या कपल्स झिझकते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। आज का टॉपिक है ऑलिगोस्पर्मिया, यानी वीर्य में शुक्राणु का कम होना, ना होना नहीं पर कम होना, या कह लीजिए उसकी गति कम होना। शुक्राणु कम होने के साथ साथ शुक्राणु की जो गति है वो गति का कम होना। जी हाँ, जैसे जैसे आज का पूरा लाइफस्टाइल हुआ है, आज के कल्चर्स हुए हैं, पार्टी कल्चर, स्मोकिंग, अल्कोहल, मेंटल स्ट्रेस, एक ही जगह पे बैठ के कंटिन्यूस कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करना, इन सब चीज़ों का मेल इनफर्टिलिटी पे भी इक्वली इफ़ेक्ट हुआ है। अब हम देखते हैं, जब भी कपल्स हमारी हॉस्पिटल में आते हैं इनफर्टिलिटी की काउंसलिंग के लिए, तब 40-50% मेल में ऑलिगोस्पर्मिया देखने को मिलता है। शुक्राणु की मात्रा कम हो जाना, या कह लीजिए शुक्राणु है तो उनकी गति अच्छी नहीं है। अक्सर मेल अपना रिपोर्ट करने से पहले झिझकते हैं, उनको लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रिपोर्ट आता है तब वो एकदम से शॉक में चले जाते हैं कि उनको उनके स्पर्म काउंट कम है, और तब उनको क्वेश्चन होते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सही बात है, ऑलिगोस्पर्मिया के कोई सिम्टम्स नहीं हैं। आप सेक्सुअल इंटरकोर्स अच्छे से कर पाते हैं, इरेक्शन अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, इजेक्युलेशन होता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। कपल्स जब भी हमारे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम एक साल से ट्राई कर रहे हैं या दो साल से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पाते, तब हम पहली प्रायोरिटी देते हैं सीमन एनालिसिस को। ऑलिगोस्पर्मिया के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है वेरिकोसिल, यानी जो टेस्टिस की जो नसें होती हैं उनका फूल जाना। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में बैक्टीरियल है, वायरल है, मम्स है। अगर ये इन्फेक्शन हुए हैं तो स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इफेक्ट होती है। आपको कहीं चोट लगी हो बचपन में, या किसी रेडिएशन से एक्सपोज हुआ हो, अगर आपने पेल्विस की कोई सर्जरी करवाई हो पहले, या आपको कैंसर जैसी कोई तकलीफ हो, तो भी स्पर्म काउंट पे इफेक्ट आता है। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी बुरी आदतों का रहना, टोबैको च्यूइंग, आपकी स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट होता है। उसके बाद आती है आपकी ओबेसिटी। बहुत सारे फैक्टर्स में ओबेसिटी बहुत काम करती है। जब भी हम सीमेन एनालिसिस करवाते हैं तब हमेशा मेल पार्टनर को कहते हैं कि आप अपना एक डायबिटीज़ चेकअप करवाइए, हाइपरटेंशन चेकअप करवाइए अगर आपको है तो, और अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन कीजिए। दूसरी, अगर आप किसी मेडिसिन पे है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं, या आप टाइप ए पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस होता है, या फिर आप एक ऑफिस वर्क कर रहे हैं जिसमें आप कंटिन्यूसली लैपटॉप को अपनी गोदी में रख के उस पर काम कर रहे हैं, तो जो टेस्टिकल्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो भी स्पर्म काउंट पर इफ़ेक्ट करता है। अब हम जानेंगे कि इसका उपाय क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना सीमेन एनालिसिस हमेशा करवाना चाहिए और बेझिझक होकर करवाना चाहिए। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हमें टाइम पे पता चलता है कि आपका स्पर्म काउंट डिक्रीज हो रहा है या मोटिलिटी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपकी कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जो मेडिसिन आपको मिनिमम 72 डेज, मिनिमम 3 से 4 महीने लेनी होती है, क्योंकि एक स्पर्म की लाइफ स्पैन 72 डेज होती है। तो 72 डेज तक कंटिन्यूस मेडिसिन लेने के बाद अगर आप सीमेन एनालिसिस करवाएंगे तो उसमें आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं करवा रहे हैं, तो सबसे पहले सीमेन एनालिसिस करवाइए। और अगर आपको ऑलिगोस्पर्मिया आता है तो किसी भी अच्छे से इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाके डॉक्टर से राय अवश्य लीजिए।
इसके उपाय में आपको बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट्स वाली दवाइयाँ, कोएग्जाम क्यू वाली या जिंक वाले, ऐसी मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स की दवाई प्रिस्क्राइब की जाएगी जो आपको मिनिमम 72 डेज तक लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको वेरिकोसिल डिटेक्ट होता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। वेरिकोसिल के लिए अगर आपको सर्जरी चाहिए तो आपको सर्जरी प्रिस्क्राइब की जाती है, जो आप करवाएं तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी बुरी हैबिट्स है, जैसे एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, तो प्लीज़ उसे स्टॉप करिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको एक हेल्दी बेबी हो, सो प्लीज़ स्टॉप ऑल द बैड हैबिट्स जो आपको हैं। मेंटल स्ट्रेस ना लीजिए। आप अगर बहुत हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हो या लैपटॉप अपने गोदी में रख के काम करते हो, तो उन सब लाइफस्टाइल्स को मॉडिफाई कीजिए। लैपटॉप दूर रख के काम करिए, ज़्यादा गर्म पानी में ना नहाइए, हॉट एटमॉस्फेयर को अवॉइड करिए। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नुकसान करेगा, तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कुछ लोग हमेशा हिचकिचाते हैं कि हम वेट कर सकते हैं फर्टिलिटी के लिए, पर ऐसी कौन सी घर की चीज़ें खाएं कि जिससे हमें बेनिफिट होगा। हमारे आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अश्वगंधा है जिससे स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी इंक्रीज होती है। घर में आप कौन कौन सी चीज़ें खाने में मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है, आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है ताकि आपके बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट्स यूरिन थ्रू वॉश आउट हो जाए। दूसरा, खाने में आप मेथी के दाने, 500 मिलीग्राम्स ऑफ मेथी के दाने भिगो के उसको खाइए या उसको सब्जी में डाल के खाइए। किसी भी हिसाब से मेथी के जो सीड्स होते हैं, फेनुग्रीक सीड्स, वो खाइए। अगर आप घर में मुखवास रखते हैं तो फ्लैक्स सीड्स का मुखवास आता है, अड़सी जिसे बोलते हैं गुजराती में, वो आप खा सकते हैं। दूसरा, अपने खाने में रोज़ एक चम्मच हल्दी कंपलसरी ले। हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है। खाने में रोज़ का एक बनाना खाइए, या अगर आपको अलग अलग वेजिटेबल्स पसंद है तो स्पिनच है, ब्रोकली है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आप ले सकते हैं। गार्लिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग टू इंक्रीज द स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी, तो आप लहसुन की कोई भी चीज़ें या लहसुन का बना हुआ थोड़ा सा अचार है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यू कैन हैव फिश, बट लुकिंग इनटू द प्रेजेंट एटमॉस्फियर, आप अगर नॉन वेज लेना चाहते हैं तो एग्स, फिश या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, पर मेक श्योर कि वो अच्छे से कुक्ड हो और उससे आपको अलग से और इन्फेक्शन ना लगे। तो यू कैन हैव फिश, सालमन फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, उसकी टैबलेट्स आती है, वो आप ले सकते हैं। खाने में उड़द दाल ज़्यादा खाइए, वीट बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा लीजिए, और डे एवरी डे मिनिमम 1 to 2 क्यूब्स ऑफ पनीर खाइए। प्रोटीन इज़ ऑल्सो वेरी मच नीडेड थिंग फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो रूटीन खाने की ये जो ऑल्ट्रेशन है वो आप कीजिए। अगर बाहर का जंक फूड खा रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट। ज़्यादा आपने ईस्ट फर्मेंटेड, जैसे ब्रेड्स है, पिज्ज़ाज है, अगर ये आप ज़्यादा खा रहे हैं तो प्लीज़ उसको स्टॉप करिए। अल्कोहल और स्मोकिंग कंपल्सरी बंद कीजिए। मेंटली फिट रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और जो भी मेडिसिंस दी जाती है उनको मिनिमम 3 months तक कंटिन्यू रखिए। उसके बाद अपना रिपोर्ट वापस करवाइए, और अगर आप ये चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो सकता है आपको नेचुरली भी कंसीव हो जाए। फिर भी अगर आपको स्पर्म काउंट कंटिन्यूसली 15 मिलियन से कम रहता है तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन IUI करवाना या टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना वो आपको टाइमली बता पाएंगे। सो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के लिए डोंट हेजिटेट, प्लीज़ गो एंड गेट योर सीमेन एनालिसिस डन एंड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी मिथ्स के बारे में पता चला होगा जो ऑलिगोस्पर्मिया को लेके हैं। एंड और अगर आप इस टॉपिक में जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख भेजिए। थैंक यू।